हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि USB 2.0 और USB 3.0 में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आज की डेट में जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड के, एप्पल के, या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी जहाँ पर कनेक्टिविटी है, जहाँ पर कनेक्शन USB का या दूसरा पॉइंट पोर्ट का, आज की डेट में 3.0 ही यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस जानना है कि कैसे आप पहचानेंगे। तो सिंपल सी बात है, आज की डेट में जितने भी 3.0 है वो ब्लू कलर में आते हैं। आप कोई सा भी डिवाइस देखेंगे जिसमें कनेक्टिविटी है ब्लू कलर है, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो 3.0 है। 2.0 नॉर्मली आप सभी लोग, हम सभी लोग यूज़ करते हैं, सबको पता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दोनों में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो है सुपर स्पीड, नथिंग एल्स, स्पीड। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि स्पीड आखिर कितना डिफरेंस करता है। जी हाँ, अगर मैं 2.0 की बात करूँ और इन कंपैरिजन टू 3.0, तो 3.0 में जो स्पीड है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप कोई भी फाइल कॉपी करेंगे 480 MB की, तो 2.0 में टाइम लगेगा अराउंड 2 से 3 सेकेंड्स। मीन्स मैक्सिमम स्पीड है 2.0 की 480 MB पे। सो फार एज 3.0 इज कंसर्न, 3.0 में आपको स्पीड जो मिलेगी वो मैक्सिमम 5 to 6 GBPS की स्पीड मिलेगी। यानी कि आप 10 to 20 GB का कोई फाइल होगा तो आप उसको विदिन 5 to 6 सेकेंड्स में कॉपी कर सकते हैं। तो आप ये स्पीड देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ट्रांसफर रेट कितनी जा रही है। अब USB 3.0 की स्पीड देखिए, 790 तक जाइए, ठीक है। तो ये चीज जैसा मैंने बताया कि ये 5 GB/s की स्पीड है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रेन दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही स्पीड मान सकते हैं आप, 5 GB/s, वो बिल्कुल स्पीड। यहाँ पर आप स्पीड भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 187 राइट एंड रीड स्पीड आप देख सकते हैं 3.0 की। डिफरेंट काइंड्स के पोर्ट्स भी आप देख सकते हैं, जैसे 2.0 में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ USB यूनिवर्सल सीरियल बस, नॉर्मली एक बहुत सारे हैं। जैसे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ए है, मेल टाइप। दूसरा होता है जिसमें वो USB इंसर्ट होता है, दैट इज़ फीमेल टाइप। देन हमारे पास बी मेल टाइप, फिर माइक्रो बी एंड मिनी। उसी तरह 3.0 भी बहुत सारे जितने भी हैं। तो आज की डेट में जितने भी कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो सारे 3.0 आते हैं। तो क्यों हम 3.0 प्रेफर करें? 3.0 बेसिकली सबसे पहली बात स्पीड, दूसरी चीज़ हाई बैंडविड्थ, उसमें यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। ऑब्वियसली स्पीड है मीन्स 3.0 जो है 3.0 है वो 10 टाइम्स फास्टर है। जो उसमें जो कनेक्टिविटी है वो टू वे है कनेक्टिविटी है 3.0 में। 2.0 में वन वे कनेक्टिविटी है, दैट इज़ द रीज़न वो स्लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पावर कंजम्पशन, अगर हम 3.0 की बात करें तो वो 900 mA का जो मैक्सिमम करंट है वो सप्लाई करता है, जबकि मैक्सिमम करंट 2.0 की बात करें तो वो 500 mA देता है सिर्फ। सो अब बात करते हैं कि क्या चार्जिंग स्पीड भी हमारी डिपेंड करती है USB 2.0 3.0 से? जी बिल्कुल, 3.0 में आपको जो चार्जिंग स्पीड मिलेगी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि उसमें 900 mA का करंट पास होता है, 2.0 में मैक्सिमम 500 mA का। ऑब्वियसली आप कोई सा भी डिवाइस अगर चार्ज करेंगे तो 3.0 में जल्दी से चार्ज होगा वो। इसीलिए जितने भी सी टाइप पोर्ट आते हैं या जितना भी नया आज की डेट में आपने देखा होगा कि अगर आप लैपटॉप से अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो बहुत स्लो चार्ज होता है, बिकॉज वो मैक्सिमम करंट 500 mA दे सकता है। लेकिन 3.0 से कभी चार्ज करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको स्पीड, चार्जिंग स्पीड के बारे में पता चलेगा। 900 mA, 500 mA, ऑब्वियसली 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 2.0 नहीं करता। सो हियर सम कंपैरिजन है, यहाँ पर है 1.1, 1.1, 2.0 मैक्सिमम रेट, 2.0 में 480 Hz में 5 GBPS। मैंने पहले ही बताया कि जैसे बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र USB 2.0 में नहीं होता, 3.0 में रिसीव, रीड, राइट दोनों एक साथ कर सकता है। चार्जिंग पावर 100 mA, 900 mA स्मार्ट चार्जिंग 3.0 में है।
और यूएसबी 2.0 2001 में लॉन्च हुआ था और ये 3.0 जो 2008 और 9 के बीच में हुआ। सो हियर आर द सम जनरेशंस की 2.0 3.0 भी हो गया, अभी 3.1 जनरेशन 1 है, 3.1 जनरेशन 2 चल रहा है इसमें। तो जहाँ पर हमने स्पीड मैक्सिमम जो देखी है वो 10 Gbps तक भी देखी है, लेकिन जो नॉर्मली डिवाइसेस होममेड डिवाइसेस में वो 3.0 3.1 पे ही आ रहे हैं। 3.1 जो जनरेशन 2 है वो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में है, मीन्स जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उसमें। नेक्स्ट 3.1 के बाद क्या आता है, कितनी स्पीड आती है, आप खुद सोच सकते हैं आने वाले समय में रियली जो स्पीड होने वाली है वो लाइट से भी तेज होने वाली है, लाइटनिंग स्पीड जिसको आप कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई सुझाव है कोई कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप क्लिक हियर पर यूट्यूब पर क्लिक करके या इस स्माइली पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई हम नया वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।